और बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूपी चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भूपेश बघेल को बनाया गया वरिष्ठ पर्यवेक्षक। यूपी प्रभारी प्रियंका की टीम में बघेल के कई समर्थक मौजूद हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनको यूपी चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी चुनाव 2022 में चुनाव होने हैं और उसके लिए अब भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वरिष्ठ परीक्षक बनाया गया है। एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बड़ी जिम्मेदारी कहा जाएगा, यूपी चुनाव नज़दीक है और यूपी चुनाव बेहद अहम है, तो अब वरिष्ठ पर्यवेक्षक यानी कि भरोसा जताया है सीएम भूपेश बघेल पर। निश्चित तौर पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से लगातार यूपी चुनाव की तैयारी चल रही है कांग्रेस की, और इससे पहले जब सीएम बघेल की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी उसी समय उन्होंने इच्छा जताई थी कि आप जो भी जिम्मेदारी देंगी उसे मैं करने के लिए शहर तैयार हूँ। यूपी चुनाव के मद्देनजर ये बात हुई थी और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देंगी। और आज जब जो पत्र जारी हुआ है कि सीएम भूपेश बघेल को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और 2022 में जो यूपी का चुनाव होना है उसके लिए उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। बिल्कुल, यूपी का चुनाव बहुत अहम है और कांग्रेस जाहिर है चाहेगी कि वहाँ पर अपनी पैट जमा सके, वहाँ पर जीत हासिल कर सके। ऐसे में मैं जो बात मैंने पहले भी कही कि यानी कि सीएम भूपेश बघेल पर बहुत भरोसा है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के चुनाव 2018 में तो जो हुए थे उसमें भी बम्पर जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, शायद इसी सब को देखते हुए ये भरोसा जताया गया। देखिए श्रद्धा, ओबीसी के बड़े चेहरे बन गए खासतौर पर सीएम बनने के बाद, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काफी संख्या में जो वोटर हैं वो ओबीसी वर्ग से हैं, और इस फैक्टर को देखते हुए ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सीएम बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस इसी तरीके से उपयोग करेगी, ओबीसी चेहरे के रूप में उपयोग करेगी, जिससे जो बहुसंख्यक ओबीसी मतदाता है उनका जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ हो जाए। तो ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों और आम लोगों के हित में जो काम किया, जिस तरह से उनके काम काज की न केवल जो सत्ताधारी दल है कांग्रेस ने जो है तारीफ की, बल्कि उनकी कई योजनाओं की तारीफ जो है केंद्र सरकार ने भी की, तो ये निश्चित तौर पर जिस तरह से उनका ग्राफ लगातार बढ़ा उसी को देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में उनके चेहरे को भुनाना चाहती कांग्रेस। जो बिल्कुल है उसका मैसेज ये किसी रूप में देखा जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी जुड़ने के लिए।